अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फायर के साथ तमाम व्यूवर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर आफियत से रखे, आमीन। आज बना रहे हैं बेहद मज़ेदार लबे शरी की रेसिपी। ये हमने लिए कलरफुल सेवैयाँ तकरीबन 1.5 कप। ये हमने लिया है 1 कप बारीक कटा हुआ सेब और 1 कप जो है वो बारीक कटा हुआ जो है वो हमने 1 कप से ज़्यादा यानी कि 4 अदद केले लिए जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। ये वनीला फ्लेवर में जो है वो हमने 2 टीस्पून फुल जो है वो कस्टर्ड पाउडर लिया है वनीला फ्लेवर में, सॉरी। ये हमने लिए है 1 कप शुगर, चीनी, गार्निश के लिए पिस्ते लिए हैं, ठीक है, और बादाम लिए हैं चॉप्ड किए हुए, और ये हमने लिया है खोपरा। ये हो गए हमारे ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा, हमने जेली को जो है तैयार करके रख लिया है। जेली मैं पहले ही आपको सिखा चुकी हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसको सिर्फ हमने उबलते हुए पानी में ऐड करना है। यहाँ दूध हम अपना पहले ही बॉईल कर चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट। हम जो है वो अपना मज़ेदार सा जो है वो लबे शीरी तैयार करते हैं। दूध को मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है, पहले से ही। अब इसके अंदर जो है वो मैं कलरफुल जो है वो सेवैयाँ ऐड कर रही हूँ, और अब इसे इसके साथ इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से जो है वो सॉफ्ट हो जाए हमारी सेवैयाँ ना, ठीक है। फिर हम इसमें शुगर लास्ट में ऐड करेंगे ना। अब ये इस तरह से इनको जो है अच्छी तरह से इनमें पकाने के बाद अब इनको हम 2 से 3 मिनट्स पकने देंगे। वो तैयार हो गया है, ठीक है, दूध में पकना शुरू हो गया है और ये थिक भी हो गया है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे कि हम इसमें अब शुगर ऐड करेंगे, ठीक है, और इसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच जो कस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून फुल लिया था वनीला का, वो हमने इसमें मिला दिया है। ये देखिए इसमें इसका कलर आ गया है। इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, हमें यही कलर चाहिए लबे शीरी का। ये हमने 1 कप चीनी ली है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसे अच्छी तरह से जो है इसमें पकने देंगे। अब यहाँ पर जो है वो हम हाफ को खोपरा ऐड कर देंगे, ठीक है, हाफ हमने इसके अंदर खोपरा ऐड कर देंगे, सही। खोपरे के साथ इसे जो है तकरीबन 3 मिनट तक पकने देंगे। जब ये पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो इसे हल्की आंच पर जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसमें हम अपने सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे, जो हमने 1 कप सेब लिया है और 4 अदद केले लिए बारीक कटे हुए। फिर हम इसके ऊपर से गार्निश करेंगे जेली। हमने जेली का फ्लेवर लिया है मिक्स फ्रूट का ना, ये मिक्स फ्रूट का हमने जेली फ्लेवर बना के रखी है, ठीक है, जो कि अब वो जम रही है। लास्ट में वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे जी। अब इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है, ठीक है, अब इसको इस प्याले में ऐड करते हैं, ठीक है। प्याले में पूरा ऐड करने के बाद, ठीक है, अब जो है वो मैं इसके अंदर ये जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स काट के रखे थे एप्पल और बनाना, इसके अंदर मैं वो ऐड कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। इसमें ये हम जो है वो सब फ्रूट्स मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम जो है वो फ्रीज़र कर लेंगे। अच्छा, ये हमने जो बादाम लिए थे वो हम इसके ऊपर गार्निश कर रहे हैं, ठीक है, ये बादाम आ गए। अच्छा, ये पिस्ते आ गए। अब हम जेली लेकर आते हैं, इसके अंदर जेली की जो हमने कटिंग्स करके रखी है इसके अंदर जेली ऐड करते हैं जी। ये जेली को मैंने क्यूब शेप में जो है वो जमा लिया था, अब इसके अंदर ये हम जेली के पीसेस ऐड करेंगे। बेहद मज़ेदार जो है वो हमारा लबे शीरी तैयार है। आप भी जो है वो इसे ईद पर बनाएं, किसी और ओकेजन पर बनाएं, घर में गेस्ट आए तब बनाएं, तो ये बेहद लजीज लगता है और बहुत क्विक यम्मी रेसिपी है, वेरी ईजी, वेरी सिंपल, ठीक है, और बेहद मज़ेदार ये बनता है, ठीक है। अब मैं इसे फ्रीज़र कर दूँगी। और भी हमने जेली इसमें जो है वो ऐड करनी है, हमने जमाई हुई है 1 क्यूब का हमने, और अच्छा वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें थोड़ा सा, ठीक है, और फिर इसके अंदर मज़ीद हम जेली और ऐड करते हैं। एक मैंने ओवल शेप में जो है वो जमाई थी, ठीक है, वो भी हम इसके अंदर जो है वो सब ऐड कर देंगे इस तरह से। तो हमारा मज़ेदार सा जो है वो लबे शीरी तैयार है, ठीक है। इस पर अब हम दोबारा थोड़ा सा जो है वो अपना बादाम गार्निश करते हैं, ठीक है, और थोड़े से पिस्ते, और फ्रूट्स हम इसमें बस पहले ही ऐड कर चुके हैं। ये हमारा फाइनल लबे शीरी तैयार हो चुका है, ये इसका फाइनल लुक है, और अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी, तो ये ठंडा होकर और बेहद मज़ेदार लगेगा।
रेसिपीज अच्छी लगती है तो थम्स अप करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।